मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि यार तुम्हारा नाम है नील नितिन मुकेश, भैया सरनेम कहां पे है? सारे के सारे ये फर्स्ट नेम है. व्हाई डोंट यू हैव अ सरनेम? ऑल ऑफ अस हैव खान, खान, रोशन. वेयर इज योर सरनेम? व्हाई? दैट्स अ वेरी काइंड क्वेश्चन शाहरुख सर एंड सैफ सर, थैंक यू सो मच. नो प्रॉब्लम. बट आई एम Can I take this liberty of saying something? Oh, yeah? Please. Yeah? This is the insulting podium. Go for it. Well, actually, that is an insult for me, actually, I feel. Yeah? Oh. I think you guys just need to shut up here. Neil Nitin Mukesh ne Shahrukh ki stage par ki thi bolti band. Neil ne SRK ko kyun karaya tha shut up? I think you guys just need to shut up here. Kya tha Neil ke action par King Khan ka reaction? नील नितिन मुकेश भले ही कुछ समय से फिल्मों से गायब हैं, लेकिन एसआरके को स्टेज पर चुप कराते हुए नील की अक्सर एक क्लिप सोशल मीडिया पर सरफेस होती है. इस वीडियो में एक पॉपुलर अवार्ड फंक्शन में एसआरके और नील नितिन मुकेश को देखा जा सकता है, जहां किंग खान अपने विटी अंदाज में नील से उनका सरनेम पूछते हैं. मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि यार तुम्हारा नाम है नील नितिन मुकेश, भैया सरनेम कहाँ पे है? सारे के सारे ये फर्स्ट नेम है. हालांकि नील के लिए एसआरके का मजाक डाइजेस्ट करना मुश्किल था, जिसे सीरियसली लेते हुए नील भी उन्हें भरे फंक्शन में शट अप कह देते हैं. Well, actually, that is an insult for me, actually, I feel. I think you guys just need to shut up here. Well, सालों पहले एसआरके और नील के बीच हुए इस इंसिडेंट का जिक्र अक्सर हो जाता है, क्योंकि शट अप बोलकर उन्होंने बॉलीवुड के पठान से पंगा लिया था. पर अब नील ने खुद ये पूरा किस्सा शेयर किया है. एक रीसेंट इंटरेक्शन के दौरान इस इंसिडेंट पर स्माइलिंगली नील ने कहा कि ऐसा कहकर कभी भी उनका इंसल्ट करने का इरादा नहीं था, और कहा कि उन्हें एसआरके से बहुत प्यार है. नील सेड ही वाज हैविंग फन. आई वाज हैविंग फन विद हिम. ही नोज दिस एंड आई नो दिस टू. नील ने शेयर किया कि एसआरके ने उन्हें इस बारे में पहले ही हिंट दे दिया था, बट ही वाजंट फुली अवेयर ऑफ व्हाट वाज कमिंग. वहीं जब नील से पूछा गया कि क्या ये पूरा एक्ट स्क्रिप्टेड था, तो ही सेड, इफ यू से सो आई बिलीव इट, इफ यू वांट टू कॉल इट स्क्रिप्टेड लेट इट बी, बट देयर वाज लव. नील नितिन मुकेश ने आगे ये भी कहा कि शट अप कहने के बाद भी किंग खान उनसे नहीं थे अपसेट. He only told me that I'll have some fun with this. But there was also a pre-warning from him saying that I will have fun with you. You do your thing. So I asked, sir, what level of fun are we talking about? He said, whatever you can think of, do it. He gave me that liberty, so I did it. उन्होंने आगे बताया कि कैसे एसआरके ने इसके बाद उन्हें सपोर्ट किया, saying, you did well, and added that he would never disrespect my elders. साफ है, नील और एसआरके एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं.